अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पंजाबी एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा द्वारा भी बठिंडा में नामजदगी पत्र भरा गया। वहीं सभी उम्मीदवारों द्वारा जम के एक दूसरे पर निशाने साधे गए और अपनी जीत के ताल भी ठोके। असी आज अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए ने बठिंडा लोकसभा वास्ते और मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि एडे सख्त कणक के सीजन के बावजूद इन्ने रुझेवे किसानों दे के उन्होंने एक पल का भी वेल नहीं सी किसानों खेत मजदूरों किरतियां ते कामियां ये बावजूद आज बठिंडा लोकसभा तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने जिहड़ा आण के साडा साथ दिता। मेरे को शब्द नहीं गए कि मैं उन्होंने इस एड्डी कड़क की गर्मी के तपदी धुप के ढाई किलोमीटर तो उत्ते संडे मार्केट तो जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक सारे ने पैदल मार्च करके सहयोग दिता। मैं यही महसूस करदा कि बठिंडे के लोग तपे बैठे ने और बठिंडे के लोग एक भारी तब्दीली चाहते हैं, चाहे वह बादल का टब्बर है तो चाहे वह कांग्रेस की गवर्नमेंट है जिन्होंने पिछले सवा दो साल विच बहुत वड्डे पद्धर दे फेल होए ने और हर जिहड़ा वायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब फड़ के किया वह झूठा साबित होया। बादलों की गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी 10 साल का लुट कसुट का राज अज भी लोग नहीं भुले। अज उन्होंने पेपर फाइलिंग से बहुत फिक्का शो सेगा क्योंकि लोगों को इन्हें भरोसा नहीं रह गया। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर आए थे, ये बावजूद उन्होंने इकट्ठ थोड़ा भी सगा तो बाजार में बहुत उन्होंने धक्का किया, धक्के बाजारों में गुंडागर्दी करके पुलिस ने शॉपकीपर्स को इंटीमीडेट किया, उसनों असं कंडेम करते हैं और मैं उम्मीद करदा कि आने वाले दिनों दे विच साडा जिहड़ा ये कैंपेन होर पिकअप होगा। मल मेरी तो सगों बीबी हरसिमरत कौर और राजा वड़िंग नूं ये मेरी सलाह भी है तो चुनौती भी है कि देखो आओ आप राजनीतिक इलैक्टोरल प्रोसैस में साफ रखने एक डिबेट में इंगेज करिए एक दूजे को। आप कोई स्थान रख लो, तुम बादल पिंड रख लो, उस सारे कैंडीडेट्स उत्थे सद लो, उत्थे एक जिदा जनतक साथ की शक्ल में आप सारे पंजाब ते भारत उहदे ते बहस करिए और उस जनतक बहस में लोगों को अपना मन बना दईए। जिदा वैसटर्न कंट्रीज़ डिवेलप कंट्रीज़ बहस के नाल फैसला होंदा क्योंकि खजालत रैलियां पैसे शराब करप्ट करना इलैक्टोरल प्रणाली पहले ही बहुत पोल्यूटेड आ और कांग्रेस ते अकाली दल इस दे माहर ने। सो ये मेरा उन्होंने चुनौती आ कि अगर तुसी कोई स्थान दसोंगे कोई समा करोगे तय सुखपाल सिंह खैरा बतौर तुहाडा बठिंडे का सेवादार उस बहस लई हर वक्त तैयार है। अगर लोग सानू कहणगे कि बैठ जाओ असी बैठ जाएंगे तो जे इन्हां दोनों नूं रिजेक्ट कर देण तो ये बैठ जाण। नहीं इस अज इस देश में मोदी की उल्ट लहर है, मोदी भजाने की लहर है। जिहड़े उन्होंने वादे किए थे अच्छे दिनों के वह सारा झूठ साबित होया, चाहे 15 लाख के वादे से चाहे वह 2 करोड़ दी नौकरियां सी चाहे स्वच्छ भारत। अज तुसी कोई शहर देख लो हर शहर के बाहर स्लम्स ने बहुत वड्डे पद्धर ते गंदगी आ। किसी शहर में 5 सालों मोदी साहब स्टॉर्म सीवर नहीं दे सके, पंजाब के बहुते शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं ला सके, सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट नहीं कर सके, जिहड़ियां सरकारां कूड़ा नहीं चक सकियां, जिहड़ियां सरकारां आवारा पशु ते आवारा कुत्ते नहीं सांभ सकियां, इन्हां तों की उम्मीद रखदे। सो इस बार मोदी दे उल्ट लहर है कि मोदी भजाओ तो भारत बचाओ और यही लागू कांग्रेस से हुंदा। जिहड़े बीजेपी कहिंदे सी कि कांग्रेस मुक्त भारत, अज लोगों की आवाज़ आ कि कांग्रेस बीजेपी मुक्त भारत, रीजनल फोर्सेस खेतरी पार्टियां आन हले आप वाले बच जान क्योंकि इन्हों का कोई भी नहीं रहना इन्हों आने वाले दिन दसणगे कि तुम मेरी गल मार्क कर लेना कि थोड़ा समा दो झाड़ू के नाल एवं 1-2 MLA भावें रह जाएंगे। हाँ नाजर सिंह जी का जान का सानू बहुत अफसोस है क्योंकि मैं नाजर सिंह नू एक पढ़िया लिखिया एक बादलील इंसान एक तजर्बेकार एक एक्सपीरियंस बंदे वजों समझदा सी, मैं उन्हां दी राय भी लैंदा सीगा, मैं उन्हां दी इज्जत भी करदा सी हुण भी करदा वां, पर पता नहीं क्यों अचानक उन्होंने जिस पार्टी के खिलाफ लोगों ने उन्होंने बहुत वड्डी वोट नाल जिताया उस पार्टी में जाके मेरा नहीं ख्याल कि वो लोगों दीआं भावनावां नूं खुश कर सकणगे। और ये दलील कि मैं ओपोजिशन में सीगा इसलिए लोगों के काम नहीं होंदे सी,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਮਦਾਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨਸ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।